नैनीताल से हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के कैबिनेट के फैसले के बाद अब हाई कोर्ट के वकीलों में कहीं खुशी तो कहीं नाराजगी का माहौल बना हुआ है। कुछ अधिवक्ता सीधे तौर पर इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, वहीं कई खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे पहाड़ों में पलायन की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी। और अधिवक्ताओं से बात की गई तो उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। धीरे धीरे करके सरकार पहाड़ों से सभी सरकारी संस्थानों को मैदानी इलाके की ओर शिफ्ट कर रही है, जो कि पहाड़ विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। नैनीताल में जगह की कमी होने के कारण नई अधिवक्ताओं के साथ ही पुराने कई अधिवक्ताओं के पास जगह के अभाव के कारण चेम्बर्स नहीं है, साथ ही दूर दराज से आने वाले वादकारियों को सुविधा मिलेगी। नैनीताल में हाईकोर्ट के कर्मचारियों के आवास की सुविधा की कमी है। हल्द्वानी शिफ्ट होने से चिकित्सालय सुविधा के साथ ही अन्य बेहतर सुविधाएं लोगों को मिलेगी, ये एकदम सराहनीय निर्णय है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ये आप हम जिस दिन उत्तराखंड की परिकल्पना की गई थी उस दिन ये कहा गया था कि विकास को चारों तरफ पहाड़ का विकास किया जाएगा। आज क्या किया जा रहा है, आप एक तरफ पलायन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन प्लेन में कर दिए जाए। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार पहाड़ की जनता कहाँ जाएगी? कहाँ से उत्तराखंड की दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जगह के अभाव के कारण ये बहुत ज़रूरी हो गया था और जिस तरह से लोगों की सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। हाँ, मेरा शुरू से मानना था कि अगर शिफ्ट हो रही है तो हल्द्वानी होनी चाहिए, और कैबिनेट ने आज हल्द्वानी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, इसलिए हम सब लोगों को खुशी है कि वहाँ हम लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी और हाउसिंग सोसाइटी जो एडवोकेट्स के लिए कह रहे थे वो भी सब मिलेंगी, और पार्किंग की सुविधाएं भी जो क्लाइंट्स के लिए और लोगों के लिए नहीं थी वो भी सब मिलेंगी। ये हम पूरी उम्मीद करते हैं, चाहते हैं कि उत्तराखंड का पूरा विकास हो। यहाँ के लोग अपना जो है अब हाईकोर्ट का सिटिंग का जहाँ तक मामला है, ऐसी यहाँ पर किसी को कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, और यदि यहाँ पर किसी सुविधा की कमी है तो सरकार को चाहिए था कि यहाँ पर उन सुविधाओं को जोड़ती